विश्व विख्यात कैंची धाम में लगने वाले मेले के लिए पुलिस ने यातायात सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुख्ता इंतजाम कर लिए हैं। देश भर से लाखों की संख्या में श्रद्धालु कैंची धाम में बाबा नीम करोली महाराज जी के दर्शन के लिए 15 जून को पहुंचने वाले हैं। इस दौरान पुलिस के मेले में चप्पे चप्पे पर नजर रहने वाली है। 15 जून को विश्व विख्यात कैंची धाम में लगने वाला मेला नैनीताल पुलिस के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। माना जा रहा है कि देश भर से लाखों की संख्या में श्रद्धालु कैंची धाम में बाबा नीम करोली के दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे। यही वजह है कि पुलिस ने 2 दिन का ट्रैफिक प्लान लागू किया है, जिसमें भवाली में 4 पार्किंग और 2 मोटरसाइकिल पार्किंग बनाई गई हैं, जो कि हल्द्वानी से कैंची धाम की ओर जाने वाले लोग भवाली में पार्किंग के बाद शटल सेवा से कैंची धाम पहुंच पाएंगे। इसी प्रकार रानीखेत और अल्मोड़ा से आने वाले श्रद्धालु भी शटल सेवा से ही कैंची धाम पहुँच सकेंगे और पहाड़ों की ओर जाने वाले यात्रियों के लिए अलग रूट तय किया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पंकज भट्ट का कहना है कि CCTV कैमरे और यातायात के नियमों के साथ ही पार्किंग और नया ट्रैफिक प्लान लागू किया है। पुलिस की कोशिश रहेगी कि श्रद्धालुओं को बिना परेशानी के कैंची धाम के दर्शन कराए जा सके। इसमें हम लोगों ने भवाली को फोकस किया है। भवाली में 4 पार्किंगें चिन्हित की गई है, मोटरसाइकिल की पार्किंग है, छोटे वाहनों की अलग अलग पार्किंग बनाई गई है और भवाली से शटल सेवा चलाई जा रही है। इसमें अल्मोड़ा और रानीखेत से भी शटल सेवा के माध्यम से ही यात्रियों को लाया जाएगा जो श्रद्धालु आएंगे, क्योंकि भारी संख्या में लोगों के आने की उम्मीद है। इसलिए आपका 14 तारीख से शाम से ये प्लान लागू कर दिया जाएगा। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।